पढ़ने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। एक बात और है कि जो आदमी लोअर मिडिल क्लास होता है, एक और क्लास होती है, लोअर मिडिल और अपर क्लास के बीच में भी एक क्लास आती है जो लोअर और मिडिल के बीच में होता है। अमूमन लोअर और मिडिल क्लास की एक जनरेशन को मिडिल क्लास या अपर क्लास में पहुंचने के लिए एक बंदे का, कम से भी कम एक बंदे का उसके परिवार में एक बार सरकारी नौकरी में जाना बहुत जरूरी है। कि जब वो आदमी सरकारी नौकरी में जाता है ना, तो और भी बहुत सारे रास्ते खुलते हैं परिवार के लिए भी, और उनके परिवार में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए भी। आप देखना, ये चीज आप सोसाइटी में ऑब्जर्व ही करोगे, लेकिन गवर्नमेंट इस बात को समझ ही नहीं रही है। है भाई, कोरोना में देखा, एक साल में जिनके बड़े बड़े बिजनेस थे, फैक्ट्रियां थी, उनको भी रोटी के लाले पड़ गए, बैंक की किस्त देना भारी हो गई, लेकिन सरकारी आदमी सेफ रहा। भाई 15-20-25 लोगों की एक फैमिली में, या फिर 8-10 लोगों की फैमिली में एक आदमी की सरकारी नौकरी रहे, तो कम कितनी भी दिक्कत आ जाए, कम से कम वो भूखा तो नहीं मरेगा ना, उसका परिवार सड़क पे आने लायक कंडीशन तो नहीं रहेगी। तो 1:10 के रेशियो में सरकारी नौकरी होना जरूरी है, 1:10 के रेशियो में, एटलीस्ट 10%। लेकिन हमारे भारत में क्या है, अभी केवल 3.4%, वो भी सेंट्रल और स्टेट मिला के, तो अभी खराब आंकड़ा है, बहुत ज्यादा है। अभी हमारे देश में 10,000 लोगों के ऊपर केवल 150 पुलिस वाले हैं, कितना कम रेशियो, वर्ल्ड में बहुत कम है। इस चीज को बढ़ाना चाहिए, तभी तो लॉ एंड ऑर्डर सही होगा। फिर कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, हमारे पास उतने सरकारी विभागों में लोग ही नहीं है जितने काम करने वालों की जरूरत है। एक्चुअल में लाखों पद खाली भरे हुए, उनको पड़े हुए, उनको भरने वाला नहीं है। पढ़ने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता है नहीं। अब हम कोई बिजनेसमैन तो है नहीं, अभी अंबानी अडानी ना हमारे पुरखों अब इतनी जमीन छोड़ गए कि हर आदमी पास 200 एकड़ 300 एकड़ जमीन हो। जमीन हो या बनी बनाई प्रॉपर्टी, तो आदमी कुछ और भी कर लेगा।